subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Big Boss तक आपको रखिए। Hello guys, तो finally task torture task यानी कि statue task का part 2 भी हो चुका है। टीम प्रतीक भी आज परफॉर्म कर चुकी है लाइव फीड के अनुसार और उसका विनर भी अनाउंस हो चुका है। ये सब अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए गाइस। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त निखिल अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस तक का यूट्यूब चैनल। अगर इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी ऐसे मजेदार अपडेट्स मिस ना हो। तो गाइस टीम प्रतीक भी फाइनली परफॉर्म कर चुकी है एज अ स्टैचू। उनके भी 3 राउंड हुए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर किस टाइप का आज का टास्क रहा। इस बार भी 3 राउंड हुए और टीम राकेश ने गजब का टॉर्चर किया टीम प्रतीक को। इतना जोरदार पानी पे पानी मारा यहाँ तक कि सांस तक का टाइम नहीं दे रहे थे बाद में, लेकिन उन्होंने सांस लेने का टाइम देना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो सांस लेने का टाइम भी नहीं दे रहे थे, इसी बात की शिकायत चल रही थी। लेकिन उनका कहना था अगर आपको नहीं करना है तो आप उतर सकते हो। और इसी के साथ साथ मिर्च के धुएं भी दिए गए। बहुत ज़ोरदार टास्क चला, डबल टॉर्चर किया गया, बहुत मज़ेदार टास्क था ये। जब टेलीकास्ट होगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में जब एपिसोड बनकर आएगा। तो इसी के साथ बहुत गजब का आज का परफॉर्मेंस रहा टीम प्रतीक का भी, टीम राकेश का भी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आखिर उनकी मूवमेंट होती रहे टीम प्रतीक की। कहते हैं ना हमेशा राउंड 2 ज़्यादा गजब होता है क्योंकि राउंड 1 में एक लाइन खींच जाती है कि किस टाइप का टास्क परफॉर्म करना है, एक पता लग जाता है। तो इसी के साथ जो विनर अनाउंस हुए, उर्फी जावेद बहुत अच्छा संचालन करती हुई दिखी। उन्होंने बताया क्या सही है क्या गलत और फाइनली ज़्यादा मूवमेंट की वजह से टीम प्रतीक हार गई और विनर बनती है टीम राकेश। जी हाँ, टीम राकेश यानी कि राकेश पापट, शमिता शेट्टी, जिशान, दिव्या, नेहा और मिलिंद गाबा, इनकी टीम बनती है विनर। गाइस आपको बहुत 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 मुबारक हो। गाइस आपको जो भी इनको सपोर्ट करते हैं, टीम राकेश फाइनली जीत चुकी है गाइस और बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों ही टीम्स ने। दोनों ही टीम्स के लिए वाह वाह ही है क्योंकि दोनों ने अपना बेस्ट दिया और इस टास्क को मज़ेदार बनाया। ये टास्क अभी तक के सारे टास्क में सबसे खतरनाक और मज़ेदार रहा और बिग बॉस ने फैसला सुना दिया कि आपसी सहमति से जो टीम जीती है टीम राकेश, वो डिसाइड करेंगी कि नया बॉस लेडी और बॉस मैन कौन सा कनेक्शन बनता है। और टीम ने आपसी सहमति दिखाई और नए बॉस मैन एंड बॉस लेडी बना दिया शमिता शेट्टी एंड राकेश पापट को। मगर वो तो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हैं, तो अगर वो इस हफ्ते सेफ हो जाते हैं तो अगले हफ्ते के लिए डायरेक्ट वो सेफ हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे परफॉर्म किया, वो एपिसोड में तो आपको दिख ही जाएगा। लाइव फीड अगर आप देख रहे हैं तब भी आपको पता लग गया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुल चुका है गाइस। आप लोग बताइए आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी टीम ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, क्या संचालक का डिसीजन फेयर था कि टीम राकेश जीतती है, आपको क्या लगता है गाइस, आपके हिसाब से आप किस टीम की तरफ है, कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए और हमें सपोर्ट करते रहिए आपके अपने बिग बॉस का। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update. Big Boss तक आपको रखिए।